Hey guys, how are you? Myself Meetu Gupta from NLS Bangalore. So today in this session, we are going to discuss pledge of Indian Contract Act, given under Indian Contract Act, that is from section 172. Is it clear? 172, 181. Now, what is a pledge? Again, pledge, it is a special type of contract, or you can say it is a special type of bailment. In short, in brief, we can say pledge is a bailment, but all bailments are not pledge. Okay, pledge pe ko bailment keh sakte hain, par sari bailment pledge nahi hoti hain. बेलमेंट जो सेक्शन 148 में प्रोवाइडेड है वो क्या कहती है, ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन टेक्स प्लेस अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस, और वो पर्पस क्या है, वो सिक्योरिटी आइदर फॉर लोन और परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन. ठीक है, इफ़ दैट पर्पस, जो हमने कहा है ना कि बेलमेंट में कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स डिलीवर करते हैं, अगर वो पर्पस वो सिक्योरिटी है आइदर फॉर द लोन, आपने किसी से लोन लिया है, या परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन, देन इट इज़ कॉल्ड अ प्लेज अंडर सेक्शन 172. क्लियर हो गया? तो प्लेज क्या है, ये एक तरह का बेलमेंट है जहाँ पे कि जो पर्पस हम बोल रहे हैं वो पर्पस लोन है या परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन है, देन इट इज़ अ प्लेज अंडर 172. सो बिफोर डिस्कस स्टार्टिंग विद द प्लेज, हम क्या इसके एसेंशियल्स डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, देन प्लेज वेदर मर्केंटाइल एजेंट कैन मेक अ प्लेज और नॉट, वेदर अ नोन, क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, वेदर अ नोन ऑनर कैन मेक अ वैलिड प्लेज और नॉट, और वी कैन से व्हाट आर द सिचुएशंस वेयर अ वैलिड प्लेज कैन बी मेड बाय अ पर्सन हु इज़ नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स. तो इसका आंसर आपको कहाँ पे दिया गया है, सेक्शन 178 में, 178A में. इसमें जो पार्टीज होती हैं, दो पार्टीज होती हैं, और उनका क्या स्पेसिफिक नेम क्या होते हैं, पॉनर एंड पॉनी. इज इट क्लियर? पॉनर एंड पॉनी. अब यहाँ पे भी जैसे कि आप के ये जो है पॉनी है, इनकी भी राइट्स होती है, जैसे कि बेली की राइट्स ही वैसे पॉनी की राइट्स होती हैं. इज इट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक प्लेज. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्लेज. प्लेज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 178, इट मींस there must be delivery of goods, means there should be a bailment of goods from one person to another person. और जो purpose है उस bailment का वो क्या है, जो goods bail किए गए हैं that will serve as security for the payment of a debt or for the performance of a promise. Is it clear? तो वो किस वजह से use होंगे, या तो किसी को फ्रॉम आपने लोन लिया है फॉर द पेमेंट ऑफ डेट है, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए वो एसेंशियल है. इज इट क्लियर? सो डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्लेज इट इज़ अ बेलमेंट, तो इट मीन्स यहाँ पे गुड्स डिलीवर होते हैं फ्रॉम पोनर टू पॉनी. गुड्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम पोनर टू पॉनी, इट इज मस्ट. That is, there must be transfer of possession from one person to another. Delivery, it may be either actual, it may be constructive also. अगर आप ये कह रहे हो, just agreement कर रही हो, if you are just making an agreement to transfer the possession in future, it is not constitute a pledge. We cannot say it is a pledge. So there must be a delivery. Delivery may be actual, it may be constructive. Is it clear? And delivery should be for the purpose of security or for the performance of some promise. Is it clear? So in pledge, bailer is a pawner and bailee is the pawnee. Is it clear? Now what do you mean by the term hypothecation? Hypothecation as such is not defined under Indian Contract Act.
बस इसका रिकॉग्नाइज हम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। जय प्लेज में क्या है, प्लेज में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, देर इज़ अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर द सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। बट वॉट इज हाइपोथिकेशन? हाइपोथिकेशन मीन्स इन हाइपोथिकेशन द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज रिटेन्ड बाई द ओनर and certain rights in that property are transferred to the person in whose favor the property is hypothecated. Is it clear? Pledge में हम position possession transfer कर देते हैं, but hypothecation में we don't transfer the possession. Possession remains with the owner. सिर्फ क्या है, कुछ rights transfer की जाती हैं। Is it clear? Clear? Now in case of pledge. पेज में क्या है, पॉनी के पास पोजेशन आ गई है, अगर पॉनर डिफॉल्ट कमिट करता है, ठीक है, पॉनर ने उसके पैसा वापस नहीं किया या एनी डिफॉल्ट इज कमिटेड बाय द पॉनर, तो वहाँ पे क्या है कि प्लेजी उन गुड्स को रिटेन कर सकते हैं अंटिल द पेमेंट ऑफ डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। बट इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन, वहाँ पर उस केस में क्या होएगा, पोजेशन तो ओनर के पास ही रहती है, तो उनके पास लेन की राइट तो नहीं है, वो क्या है, इन डिफॉल्ट ही मे सेल दी प्रॉपर्टी। क्लियर? सो दिस इज हाइपोथिकेशन। क्लियर विद हाइपोथिकेशन की हाइपोथिकेशन क्या है एंड प्लेज क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हु कैन प्लेज? प्लेज कौन कर सकते हैं? ओन जनरली क्या है कि ओनर है या उसका ऑथराइज एजेंट है, ही कैन प्लेज द गुड्स। Who can pledge the goods? Either the owner or an agent can pledge the goods. अगर किसी person को fraudently कोई possession मिल रही है goods की, whether he can make a pledge? No, he cannot make a pledge. He has no right to make a pledge. But there are certain exceptions where that person can make a pledge, or you can say a non-owner may pledge the goods. वो exception क्या है? Pledge by mercantile agent. Is it clear? Pledge by mercantile agent. Second, pledge by person in possession under a voidable contract. Pledge by person with a limited interest. Pledge by a seller in possession after sale. And last, possession by buyer in possession after sale, but before the buyer has become the owner of goods. Is it clear? So we'll discuss one by one who can make a pledge. First, pledge by mercantile agent. अगर आपको क्वेश्चन में आ गया हु कैन प्लेज, ओनली ओनर कैन प्लेज, नॉन ओनर कैन नॉट मेक अ प्लेज, प्लेज फ्रॉडेंटली पर्सन है जिसको फ्रॉडेंटली वे से पोजेशन मिली है प्रॉपर्टी की, मूवेबल गुड्स की, ही कैन नॉट मेक अ प्लेज, बट एक्सेप्ट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस वेयर अ नॉन ओनर कैन मेक अ प्लेज। वो एक्सेप्शंस क्या हैं, फर्स्ट दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 178, प्लेज बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। प्लेज बाय अ मर्केंटाइल एजेंट इट मीन्स, पहले तो आप मुझे बताओ कि हु इज़ अ मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट हैविंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स, किसी और के गुड्स हैं, ओनर के कंसेंट से ही इज़ हैविंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स, बट ही हैज़ नो अथॉरिटी टू प्लेज देम। He has no authority to pledge them, can make a pledge provided as the pledgee or pawn is acting in a good faith. इसलिए mercantile agent क्या होता है, इसके पास owner के goods की possession होती है with the consent of the owner, but he has no right to transfer such goods. Now pledge by mercantile agent, what section 178 says? प्लेज है, मर्केंटाइल एजेंट प्लेज कर सकता है। सेकंड इट सेज कि जो आपकी पोजेशन है दैट शुड बी विद द मर्केंटाइल एजेंट विद द पोजेशन विद द ओनर्स कंसेंट। थर्ड ही सेज जो मर्केंटाइल एजेंट प्लेज कर रहा है, ही इज प्लेजिंग दोज गुड्स इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। इजिटली ऑर्डनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। दस इफ हम, अगर वो है कि मर्केंटाइल एजेंट है, अपने फ्रेंड्स को प्लेज के लिए कह रहे हैं गुड्स को, इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ डूइंग द सेम, ये वैलिड प्लेज नहीं होगा। वो अपने फ्रेंड से कह रहे हैं ये गुड्स प्लेज कर दो, तो इट विल नॉट बी अ वैलिड प्लेज। इज इट क्लियर? देन ही सेज
प्लेजी, जिसको आप मीन्स की कौनी, जिसको आप गुड्स प्लेज कर रहे हो, ही इज़ एक्टिंग इन अ गुड फेथ. ही इज़ कंसिडरिंग दैट अ प्लेज बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, ही कैन कंसिडर दैट टू बी वैलिड. प्लेजी पॉनी, ही शुड बी एक्टिंग इन अ गुड फेथ विदाउट एनी सच नोटिस दैट मर्केंटाइल एजेंट डिड नॉट हैव अथॉरिटी टू प्लेज. इज इट क्लियर? सो मर्केंटाइल एजेंट है, कौन करेगा ये? अगर मर्केंटाइल एजेंट प्लेज कर रहे हैं, उसके पास पोजेशन है विद ओनर्स कंसेंट, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्लेज कर रहे हैं, प्लेजी पॉनी एक्ट गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं, देन प्लेज बाय अ मर्केंटाइल एजेंट इज अ गुड प्लेज, वैलिड प्लेज. सेकेंड, वेयर अ जनरल रूल इज दैट नॉन ओनर कैन नॉट मेक अ प्लेज, बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन. फर्स्ट वॉज प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट. नाउ सेकेंड एक्सेप्शन इज प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वेयर योर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी. तो वहाँ पे क्या ये प्लेज कर सकते हैं वो? सपोज फॉर एग्जाम्पल थ्रू कॉर्शन, आपने किसी की प्रॉपर्टी ले ली है थ्रू कॉर्शन. तो जब आपने प्रॉपर्टी किसी की ले ली, क्या आप उस प्रॉपर्टी को प्लेज कर सकते हो? इट इज़ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, वो प्लेज कर सकते हो. तो 178A टॉक्स अबाउट इट. सो पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड द पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अ प्लेज बाय हिम बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन रिसाइंडेड टू प्लेज एक्टिंग इन, जो प्लेजी है वो एक्ट गुड फेथ में एक्ट कर रहा है विदाउट नोटिस ऑफ पॉनर्स डिफेक्ट इन द टाइटल कन्फर्म्स अ गुड टाइटल ऑफ द प्लेज. इज इट क्लियर? थर्ड एक्सेप्शन क्या है? प्लेज बाय अ पर्सन विद अ लिमिटेड इंटरेस्ट गिवन अंडर 179. अब जिस पर्सन का लिमिटेड इंटरेस्ट है, क्या वो प्लेज कर सकते हैं? जनरली ही कैन नॉट मेक अ प्लेज, बट 179 सेज जहाँ पे पर्सन, वेयर अ पर्सन प्लेजेस अ गुड इन विच ही हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, तो वो प्लेज वैलिडेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट. ठीक है, पॉनी की जो राइट है वो किसके लिमिटेड है? जो पॉनर का इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल ए बी को 5,000 रुपीज़ के लिए गुड्स प्लेज करते हैं, बी आगे सब प्लेज कर देते हैं ऑफ दोज गुड फॉर रुपीज़ 8,000. तो ए हैज़ अ राइट टू टेक बैक दोज गुड्स ओनली बाय पेइंग रुपीज़ 5,000. इज इट क्लियर? फोर्थ एक्सेप्शन, प्लेज बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल. प्लेज बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल. अब जब सेलर ने गुड्स, सर्टेन गुड्स हैं सेलर को बेच दिए हैं, प्रॉपर्टी बायर के पास चली गई है. अब सेलर के, जब प्रॉपर्टी बायर के पास ही चली गई है, नाउ सेलर हैज़ नो राइट टू डील विद सच गुड्स. बट सेक्शन 30 क्लॉज 1 ऑफ सेल ऑफ गुड्स सेज कि अगर सेलर आफ्टर सेलिंग द गुड्स ही हैज़ पोजेशन ऑफ द गुड्स, या फिर उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज गुड्स, तो वो अगर कोई भी सेल कर रहा है, पोजेशन प्लेज कर रहा है, दैट विल कन्वे अ गुड टाइटल टू द ट्रांसफर. इज इट क्लियर? लेकिन प्रोवाइडेड उन्होंने क्या कहा है, ट्रांसफर ही इज एक्टिंग इन अ गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस. इज इट क्लियर? नाउ लास्ट एक्सेप्शन इज प्लेज बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल. प्लेज बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल में क्या है, जो बायर है, अ बायर ऑफ द गुड्स हु मे हैव ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स बट स्टिल ही हैज़ नॉट बिकम द ओनर्स, ही कैन नॉट डील विद सच गुड्स. अगेन सेक्शन 30 क्लॉज 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेज, लेकिन अगर बायर ने वो पोजेशन ले लिए गुड्स की, या फिर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, जो डॉक्यूमेंट है वो भी ले लिए टाइटल के विद द कंसेंट ऑफ सेलर, देन ही डिलीवर्स अ गुड टू समबडी एल्स, ट्रांसफर्स द गुड्स टू समबडी एल्स, दैट विल कन्वे अ गुड टाइटल. सो देयर वर 5 एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल दैट अ नॉन ऑनर कैन नॉट मेक अ वैलिड प्लेज.
इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ प्लेजी और पॉनी? प्लेजी और पॉनी की राइट्स क्या है? अब देर आर थ्री राइट्स ऑफ द प्लेजी और यू कैन से पॉनी. फर्स्ट इज राइट इज टू राइट टू रिटेन द गुड्स. राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज्ड मीन्स अगर उसे उसका पैसा नहीं मिल रहा है देन ही कैन रिटेन द गुड्स अनटिल द पेमेंट ऑफ द डेट और जो भी एक्सपेंसेस उसने इनकर किए. सेकेंड राइट ऑफ पॉनी इज राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस इनकर बाय द पॉनी. नाउ 175 सेज पॉनी को वो सारे एक्सपेंसेस मिलेंगे जो उसने प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए खर्च किए हैं, गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए खर्च किए हैं. एंड द लास्ट राइट ऑफ द पॉनी इज राइट टू स्यू टू प्रोक्योर द डेट. राइट टू सूट टू प्रोक्योर द डेट एंड सेल ऑफ द प्लेस्ड गुड. अब अगर पॉनर पेमेंट नहीं कर रहा है, जो भी उसने कर्जा लिया था वो नहीं पे कर रहा है, या जो भी उसे परफॉर्म करनी थी प्रॉमिस वो उसने नहीं की है एट द गिवन टाइम, तो ही हैज़ टू राइट्स. एक तो है कि वो पॉनर के अगेंस्ट केस फाइल कर दे, सूट फाइल कर दे. दूसरा है कि वो गुड्स जो प्लेज किए थे उसको सेल कर दे. सो दीज वर द थ्री राइट्स ऑफ द पॉनी. नाउ व्हाट इज द पॉनर्स राइट? पॉनर की राइट्स क्या है? पॉनर की एक ही राइट है, दैट इज राइट टू रिडीम. दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 177. अब वो कहते हैं कि जो गुड्स उसने प्लेज किए हैं आपने, उसके पास राइट है कि वो गुड्स को वापस ले सके पॉनी से. और वो किस तरह से लेगा? ऑन द पेमेंट ऑफ एग्रीड डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट. इज इट क्लियर? सो He can exercise this right to redeem before the pawnee has made an actual sale of the good. अगर उसने goods sale ही कर दी then he cannot exercise the right to redeem. Is it clear? So this was the topic of pledge. Now in the next class, in the next session, we are going to discuss the topic of agency, and this is the last topic of the Indian Contract Act we are left with. Thank you.